नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे में दिए गए बयान पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयानबाजी को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो बस बहाना है, अडानी को बचाना है। इन दिनों लोकसभा में पटेल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा एक साक्षात्कार के दौरान विदेश में दिए गए बयान को लेकर केंद्र सरकार में शासन चल रही है और बीजेपी और कांग्रेसी नेताओं के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी के बयान को लेकर लोकसभा में माफी की मांग पर अड़ी है तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के पक्ष में कांग्रेसी दिग्गजों द्वारा उनके बयान को सही ठहराया जा रहा है। वहीं इस सिलसिले को जारी रखते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में बतौर मानव संसाधन मंत्री रह चुके हरीश रावत भी इस सूची में शुमार हो चुके हैं। दरअसल लक्षर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत द्वारा राहुल गांधी के बयानबाजी को सही ठहराया गया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को सत्य करार देते हुए कहा कि बीजेपी पर अनर्गल रूप से नाम बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अडानी का नाम लेकर बीजेपी द्वारा उसे अरबपति बनाने का आरोप भी लगाकर कहा कि बीजेपी अडानी के घोटाले को छुपा रही है और कुल मिलाकर राहुल गांधी बहाना है और अडानी को बचाना है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।